हे भगवान, मेरी डूबती हुई नैया को बचा लेना भगवान, मेरे सिलेबस आज पूरा करवा देना भगवान। हे भगवान, तुम सुन रहे हो ना भगवान, भगवान तुम सुन रहे हो ना, मेरे आज सिलेबस पूरा करवा देना भगवान। माफ करना वत्स, तुम्हारा सिलेबस पूरा करना है तो तुम्हें ही करना होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे सलाम, मैं तो सोचता था सिर्फ इंसान ही धोखा देता है, लेकिन जब हमार जरूरत लगा भगवान से तो भगवानों धोखा दे दिया। अरे सलाह, हम तो सोचे थे भगवान को सहायता कर देगा, क्योंकि भगवान सबका सहायता करता है, लेकिन भगवान तो सलाह धोखा दे दिया। अब पूरा सिलेबस अकेले ही करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँगा पूरा सिलेबस, या मुझे किसी भी तरह करना होगा। आज मैं किसी भी तरह पूरा सिलेबस कर लूंगा। मैं आधे घंटे बाद पढ़ने बैठूंगा और पूरे दिन रात एक करके सिलेबस पूरा कर दूंगा, और एग्जाम में बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स लाऊंगा। मुझे किसी भी तरह पढ़ना है। आज मैं इतना पढ़ूंगा कि जोगिंदर फेल हो जाएगा मेरे सामने। आज मैं इतना पढ़ूंगा। बेटा क्या कर रहे हो, जाओ बाजार से सब्जी लेते आओ, घर में सब्जी नहीं है, घर में सब्जी खत्म हो गया, जाओ बाजार से सब्जी लेते आओ। मम्मी क्या तुम भी सब्जी लाने के लिए बोल रही हो, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत पास आ चुका है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरा रिजल्ट बहुत खराब आएगा। क्या एग्जाम पास आ गया, जाकर सब्जी लाओ, नहीं तो खाना बहुत दूर तुमसे चला जाएगा, समझ गया ना, जाओ सब्जी लाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अरे क्या मम्मी तुम भी सब्जी के लिए हड़ताल करी हुई हो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पास होना है, नहीं तो फेल हो गया तो ऊपर से तुम लोग अलग मारोगे और गांव घर में अलग से बेइज्जती होगी, और तुम मुझसे सब्जी लनवा रही हो। अच्छा बेइज्जती होगी, मुझे तो पता ही नहीं, 5 मिनट सब्जी लाने में लगेगा और ये दुनिया भर की नौटंकी कर रहा, जाओ सब्जी लाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, साफ साफ बता दे रही हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, जा रहे हैं, तुम्हारी अलग ही नौटंकी चलती रहती है। कलिया क्या चल रहा है? अरे सब्जी वाले, तुम्हारी बेटी से बातचीत चल रही है प्यार वाली। अरे कलिया जबान संभाल के बात करो, मारेंगे चार जूता सारा चर्बी हेंट हो जाएगा, समझ गया ना? अरे सब्जी वाला इतना गरमा कह रहा है, तुम्हारा तो अभी शादी हुआ ही नहीं तो बेटी कहाँ से होगा, और जब बेटी ही नहीं होगा तो तू इतना भड़क कह रहा है। अरे कलिया बात सही कह रहा है, तुम्हारा तो शादी अभी हुआ ही नहीं तो मैं किस लिए भड़क रहा हूँ, मैं भी पूरा पागल हूँ। अच्छा बताओ क्या लेना है? अरे हमको सब्जी चाहिए। अरे वो तो हमको भी पता है तुमको सब्जी चाहिए, क्योंकि तू सब्जी के दुकान पर आया है तो सब्जी ही ना ले जाएगा, लेकिन कौन सा सब्जी चाहिए चल बता। ये तो बात सही है, मुझे कौन सा सब्जी ले जाना है, अरे मुझे कौन सा सब्जी ले जाना है, मुझे तो याद ही नहीं। हाँ याद आया, मुझे हरी सब्जी ले जाना है। अरे यार यहाँ पर हरी सब्जी ही मिलते हैं, सारा यहाँ पर हरी सब्जी ही है, परंतु हरी सब्जी में कौन सा सब्जी ले जाना है ये बताओ। हरी सब्जी में कौन सा सब्जी, ये तो मुझे पता ही नहीं कि हरी सब्जी में कौन सा सब्जी ले जाना है। अरे कोई सा भी हरी सब्जी पैक कर दो ना, मैं लेकर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है मैं हरी सब्जी पैक कर देता हूँ। माँ आ गया हरी सब्जी, ये लो। अच्छा ठीक है बेटा, और हाँ घर में चीनी भी नहीं है, जाओ दुकान से चीनी लेते आओ। माँ एग्जाम पास आ गया है, मुझे पढ़ना है, नहीं तो फेल हो जाऊंगा माँ।